राधिका गौर अगेन हियर एंड टुडे आई एम गोना डिस्कस अबाउट सेवेंथ सेशन ऑफ योर चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सेशन नंबर 6 तक मैंने आपको बताया दैट रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। बट अभी मैंने जो रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में आपको डिस्कस करा था सेशन नंबर 6 में, वहां पे मैंने आपको बताए थे जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनके एवरीडे एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे कोरोजन हुआ, रस्टिंग हुआ, रैंसिडिटी हुआ, ये सब रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से होते हैं। बट मैंने वहां पे आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया था कोरोजन, रस्टिंग एंड रैंसिडिटी के बारे में। बट इस सेशन में हम कोरोजन, रस्टिंग और रैंसिडिटी के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। दैट इज कोरोजन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, सेम रस्टिंग क्यों और कैसे होता है, सेम रैंसिडिटी कैसे होती है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस। मैंने चैप्टर सॉरी सेशन नंबर 6 में आपको क्लियर कर दिया था कि रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोस इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिनमें जो ऑक्सीडेशन है, जो रिडक्शन है, एक साथ होता है, उससे हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल्ड में आपको सेशन नंबर 6 में समझा चुकी हूँ, तो आई थिंक मेरे को जरूरत नहीं होगी रिडॉक्स रिएक्शन में ज्यादा बताने की। हम डायरेक्टली आते हैं अबाउट एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। सो द थिंग इज हमने जो पढ़ा था उसके बारे में यही पढ़ा था कि कोरोजन ऑफ मेटल हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, रैंसिडिटी हुआ, ये किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस के एग्जाम्पल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से ही ये तीनों इफेक्ट शो होते हैं नेचर में। बट इनको यदि हम डिटेल स्टडी करें तो कैसे करेंगे, कैसे हमें पता होगा कि कोरोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोरोजन किस वजह से हो रहा है, रस्टिंग किस वजह से हो रही है, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो द थिंग इज व्हाट इज कोरोजन, या कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायर्ड कंपाउंड्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल। क्या होता है, जो मेटल सरफेसेस होते हैं जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, उन पे एक अनडिजायर्ड कंपाउंड की लेयरिंग हो जाती है, कोटिंग हो जाती है। अनडिजायर्ड कंपाउंड्स मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस जो उन्हें अफेक्ट करते हैं, जिनका जो उन पे लेयरिंग कर लेते हैं। जैसे हमारा आयरन होता है उस पे रस्ट जम जाता है, जो रस्ट ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ जाता है। जो कॉपर है उस पे ग्रीन कलर का अनडिजायर्ड सब्सटेंस आ जाता है। जो एल्यूमिनियम है उस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है जो वाइट कलर की होती है। ये सब क्या होते हैं, मेटल को एक तरीके से अफेक्ट ही तो करते हैं। तो ये जो है, इसी जो प्रोसेस होता है यानी कि लेयरिंग आ जाने का, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स। समझ में आया। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायर्ड कंपाउंड्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट। मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के सरफेस पे यदि अनडिजायर्ड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो प्रोसेस किसका होगा, कोरोजन ऑफ मेटल्स। क्लियर हुई आपको ये बात, कोरोजन समझ में आपको क्या होता है। अब बात आती है जो कोरोजन है उसके अफेक्ट क्या होते हैं, उसके इफेक्ट क्या होते हैं। एक्चुअली ड्यू टू कोरोजन द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स लुक अगली। क्या होता है, कोरोजन की वजह से जो मेटालिक ऑब्जेक्ट हैं वो भद्दे दिखते हैं, अगले दिखते हैं, उनका जो अपीयरेंस है वो अच्छा नहीं लगता। आयरन होता है नॉर्मली हम देख सकते हैं, जो आयरन रेलिंग्स होती हैं पहले जब न्यू होती हैं तो कितनी अच्छी लगती है ना, आफ्टर दैट जब उन पे रस्टिंग हो जाती है तो वो ब्राउन ब्राउन सब्सटेंस उस पे आ जाता है जो वो अच्छे नहीं लगते। इन सम केसेस दे कैन अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड। आपने देखा है कभी कभी आयरन को इधर उधर पड़ा रहने दे, मतलब बारिश में या रेन हो रही है, हमने उसे अपनी रूफ पे डाला हुआ है आयरन को, वो थोड़े टाइम बाद डिके होना स्टार्ट हो जाता है, आयरन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये भी किसकी वजह से हुआ, कोरोजन की वजह से। दस इट कैन बी स्टेटेड दैट कोरोजन इज अ कैंसर ऑफ मेटल्स। इसीलिए कोरोजन को क्या माना गया है, जो मेटल्स होते हैं उसका कैंसर। क्यों, कैंसर में क्या होता है, नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स को कैंसर होता है उसमें यही होता है ना, जो ह्यूमन बींग होता है वो एक तो अगले लुक देता है, राइट, और सेकेंड वो जो ह्यूमन होता है उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। सेम यहाँ पे जो कोरोजन है उसकी वजह से एक तो मेटल अगली लुक देता है, सेकेंड वो मेटल को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। दिस इज द रीजन जो कोरोजन है उसे हमने, जो मेटल्स है उसका कैंसर बोला। नेक्स्ट थिंग इज दैट जो कुछ फैमिलियर इंस्टेंसेस हैं जो कोरोजन की वजह से होते हैं, मैंने आपको बताया था ना
A brown deposit of rust on the surface of iron objects is due to corrosion. जो रस्ट होता है, जो ब्राउन कलर का रस्ट होता है, वो भी आयरन ऑब्जेक्ट्स पे आ जाता है, वो भी किसकी वजह से होता है? कोरोजन की वजह से. सेकंड थिंग इज दैट द ग्रीन डिपॉजिट ऑफ बेसिक कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर इज ड्यू टू कोरोजन. जो कॉपर के बीकर्स वगैरह होते हैं, कॉपर के सब्सटेंसेस होते हैं, आई मीन टू से कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं, उन पे भी क्या होता है? ग्रीन डिपॉजिट आ जाता है. नॉर्मली आपने देखा होगी आपकी पूजा घर में जो पूजा वाली घंटी होती है, दैट इज पूजा वाले जो पात्र जिसे बोलते हैं, उस पे भी ग्रीन ग्रीन कलर का सब्सटेंस आ जाता है. वो किसकी वजह से होता है? सिर्फ कोरोजन की वजह से ही होता है. तो एक तो हो गया कि आयरन पे जो रस्टिंग हो रही है वो कोरोजन की वजह से हो रही है. दूसरा ये हुआ जो कॉपर के जो सब्सटेंसेस हैं, जो कॉपर के बीकर्स वगैरह हैं, उन पे बेसिक कार्बोनेट्स की लेयरिंग आ जाती है ग्रीन कलर की, वो भी किसकी वजह से हुआ? कोरोजन की वजह से हुआ. थर्ड थिंग इज दैट अगले लुक ऑफ एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस. आपने देखिए घर में जो हमारे पॉट्स वगैरह रहते हैं एल्युमिनियम के, किचन में जो मम्मा वगैरह यूज करती है हमारी एल्युमिनियम के पॉट्स, उनपे क्या होता है, एक हम कह सकते हैं येलोइश व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है. वो किसकी वजह से आती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से. उसकी वजह से भी जो पॉट्स वगैरह होते हैं वो अगली दिखते हैं, ठीक है, और जो कभी कभी वो हार्मफुल भी रहते हैं, ठीक है. तो ये तीन चीज हो गई, पहली जो आयरन पे रस्ट होना, कॉपर पे ग्रीन लेयरिंग आना, और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसके कवरिंग हो जाना एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स पे. ये सब किसके एग्जांपल हुए? कोरोजन ऑफ मेटल्स. द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कोरोजन. अब ऑब्वियसली कोई भी चीज होती है उसके एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं. डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया क्या होते हैं, अगली लुक देता है एंड वो मेटल को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. मतलब चीज आती है एडवांटेज क्या होते हैं कोरोजन के. Obviously, आप सोच रहे होंगे कि कोरोजन के एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, आई मीन टू से एडवांटेज भी हो सकते हैं. ऑब्वियसली होते हैं. क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज दैट कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर डैमेज. एल्यूमिनियम पे जब कोरोजन हो जाता है उसके बाद जो लाइफ होती है यूटेंसिल्स की वो बढ़ जाती है. दैट इज जो यूटेंसिल्स हैं वो इजीली डैमेज नहीं हो पाते, क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसकी कवरिंग उन्हें सेफ करके रखती है, यूटेंसिल्स जो है फर्दर डैमेज नहीं हो सकते. सेकेंड थिंग इज दैट आयरन नेल्स एंड अदर स्क्रैप्स विच फॉल ऑन द अर्थ आर डिस्ट्रॉयड बाय रस्टिंग. जो आयरन नेल्स होती हैं, आयरन के स्क्रैप्स होते हैं जो अर्थ पे गिरते हैं, डिस्ट्रॉय बाय रस्टिंग. रस्टिंग से डिस्ट्रॉय होके जो भी स्क्रैप्स होते हैं, जो हमारी जो सैंड है, जो अर्थ है, उस पर गिरते हैं एंड दस आयरन ऑक्साइड पासिस इन टू द सॉयल. उसकी वजह से क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड होती है वो सॉयल में पास हो जाती है, विच इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स, जो क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है. दैट इज जो हमारी आयरन रेलिंग्स वगैरह हुई उनसे जो रस्टिंग हुई वो गिरी नीचे. अब आयरन क्या होता है? आयरन ऐसा सब्सटेंस होता है ना जो पावर प्रोवाइड करता है हमें. ऑब्वियसली हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है. सेम जब वो सॉइल में मिक्स हो जाती है तो वो क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए काफी यूजफुल होती है. तो ये हो गए एडवांटेज ऑफ कोरोजन. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. मैंने आपको बताया कोरोजन की वजह से रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, बट रस्टिंग ऑफ आयरन एक इम्पोर्टेंट फिनोमिनन है, तो इसको पढ़ने की हमें और भी डिटेल में रिक्वायरमेंट है. सो द डिके ऑफ आयरन आर्टिकल्स ड्यू टू अनडिजायर्ड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? जो आयरन आर्टिकल्स हैं उनका डिके हो जाना. वो डिके किसकी वजह से होता है? अनडिजायर्ड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स. जो ऑक्साइड्स हैं उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और ऐसी ऑक्साइड्स जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. जो आयरन है उस पे आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो ब्राउन सब्सटेंस है, जो रस्ट है, वो फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो आयरन आर्टिकल्स हैं वो डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो आयरन आर्टिकल्स हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रस्टिंग ऑफ आयरन. सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट इज रस्ट. रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये रस्ट क्या होता है? ऑब्वियसली ये वाली चीज हमारे दिमाग में आई होगी. तो रस्ट क्या होता है? एन अनडिजायर्ड मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स इज कॉल्ड रस्ट. रस्ट क्या होता है? जो अनडिजायर्ड मिक्सचर होता है ऑक्साइड्स का,
वो मिक्सचर ऑक्साइड्स का जो आयरन आर्टिकल्स के ऊपर फॉर्म हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? रस्ट। समझना, जो रस्ट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे तो रस्टिंग बोलते हैं, और जो ऑक्साइड्स की लेयर आ जाती है आयरन पे उसी को हम रस्ट बोलते हैं। रस्ट जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर होता है। कैसे कलर का? रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर होता है। ऑब्वियसली मैंने बताया आपको, जो आयरन आर्टिकल्स हैं वो डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं रस्टिंग की वजह से। यदि हम डिटेल में पढ़ें तो कैसे डैमेज होता है रस्टिंग की वजह से। फर्स्ट, द रस्ट इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स। जो आयरन आर्टिकल्स हैं उन पे क्या हुई? रस्ट का फॉर्मेशन हो गया, एंड ग्रेजुअली इट कोरोड्स द एंटायरली बॉडी। और धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ी सी भी रस्ट किसी में लग जाती है, आयरन आर्टिकल्स पे थोड़ी सी भी रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो धीरे 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 स्लोली स्लोली वो सारे बॉडी को, एंटायर बॉडी को कोरोइड करना शुरू कर देती है। जो रस्ट है वो बढ़ती चली जाती है, और उससे क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ एंड लाइफ ऑफ द आर्टिकल। इसी की वजह से जो भी आयरन आर्टिकल है उसकी स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी लाइफ भी कम होती चली जाती है, वो रिड्यूस होती चली जाती है। तो ये हो गया डैमेज कॉज्ड बाय रस्टिंग। हमने कोरोजन के बारे में पढ़ा, हमने रस्टिंग के बारे में पढ़ा। अब थर्ड चीज आती है, व्हाट इज रैंसिडिटी। मैंने आपको बताया था रैंसिडिटी क्या होता है, डिटेरियेशन ऑफ फैटी और ऑयली फूड्स बाय ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसिंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन दैम इज कॉल्ड रैंसिडिटी। क्या हुआ, जो फैटी और ऑयली फूड्स हैं उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हुआ, उनका जो ऑर्डर है वो चेंज होना स्टार्ट हुआ। किसकी वजह से? क्योंकि उनमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। उसकी वजह से क्या होगा, जो अनप्लीजेंट स्मेल है, जो टेस्ट है, वो ऐसा आएगा जो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होता, जो अनप्लीजेंट होता है, जिसे हम नॉर्मली टॉलरेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं फूड हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। शॉर्ट में हम इसे समझ सकते हैं, अनप्लीजेंट चेंज इन ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ अ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो उसकी स्मेल में, जो उसके टेस्ट में जो चेंज आ जाता है, अनप्लीजेंट वाला, ऐसा मतलब जो होता है ना, कभी देखते हैं काफी टाइम तक खाना रखा रहता है तो उसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, सोर हो जाता है वो, तो वो किसकी वजह से होता है? रेंसिडिटी की वजह से। रेंसिडिटी क्या करती है, जो फूड है उसे स्पॉयल कर देती है, उसका जो ऑर्डर है, उसका जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाता है। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, एंड टुडेज क्वेश्चन इज, व्हिच गैस इज फिल्ड इन पाउचेस ऑफ फूड आइटम्स एंड व्हाई। जो फूड आइटम्स होते हैं, जैसे आप लोग नॉर्मली चिप्स खाते हो नॉर्मली, तो आप देख सकते हो जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें हवा भरी होती है, एयर भरी होती है, गैस भरी होती है। वो गैस जो होती है वो कौन सी गैस होती है, और उसे हम क्यों यूज करते हैं, क्यों उसमें फिल करते हैं। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1, 2, 3, 4, 5, टाइम्स अप। सो हैव यू आंसर दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट। एक्चुअली नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन द पाउचेस ऑफ फूड आइटम्स। जो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन पता है ना आपको, हमारी जो एटमोसफेयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन गैस को ही हम फिल करते हैं फूड आइटम्स के पाउचेस में। उसका एक रीजन होता है, वो रीजन क्या है, इट प्रिवेंट्स कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के होने की वजह से जो फूड आइटम्स हैं उनका कॉन्टेक्ट ऑक्सीजन से नहीं हो पाता, and also acts as a cushion to reduce the chances of crushing during transport। और जब transportation होता है तो उस time पे जो gas जो होती है वो cushion की तरह work करती है। gas fill होने की वजह से जो food items होते हैं वो crush नहीं हो पाते, वो टूटते नहीं है। but main जो है इसका advantage वो यही है कि oxygen के साथ उसका contact को रोकती है। जब oxygen के साथ contact ही नहीं होगा तो food item spoiled नहीं होगा। ऑब्वियसली आप देखते होंगे जो चिप्स है उसको आप उसके पैकेट से निकाल के किसी बाउल में रख दोगे, 2-3 दिन बाद देखोगे वो नॉर्मली उनमें सीलर आ जाती है, और सेकेंडली वो जो है उनका ऑर्डर और फ्लेवर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। बट नाइट्रोजन जब तक उनके पाउचेस में प्रेजेंट थी तब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। उसका सिर्फ यही रीजन है कि जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ उसका कॉन्टेक्ट नहीं होने देती, जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं होने देती, जिसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं आता, जो फूड है वो हमारा सेफ रहता है, वो स्पॉइल नहीं होता। सो व्हाट वी लर्न टुडे, वी लर्न अबाउट, व्हाट वी लर्न टुडे, वी लर्न अबाउट मेनी थिंग्स रिलेटेड टू द अबाउट कोरोजन, रैंसिडिटी एंड रस्टिंग।
हमने कोरोजन के बारे में पढ़ा, रेंसिडिटी के बारे में पढ़ा एंड रस्टिंग के बारे में पढ़ा. इन नेक्स्ट सेशंस आई एम गोना टॉक यू मच मोर अबाउट दिस सेशन. ऑब्वियसली आई मीन टू से ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. बट द थिंग इज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन आंसर सेशन. तो जो क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं वो आपके नेक्स्ट सेशंस होने वाले हैं. टिल देन गुड लक.